गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी दिनों बाद हो रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं किसी न किसी मौके पर ही ब्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ। तो आज करवा चौथ है, तो सबसे पहले तो सब लोगों को करवा चौथ की सुहागन महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएँ। ऐसे ही हर साल हर्ष उल्लास के साथ ऐसे ही करवा चौथ मनाते रहूँ। तो मैं भी रेडी शेडी हो गई हूँ, तो आप लोग कहेंगे आज ही मॉर्निंग में ही रेडी शेडी क्यों हो गई हूँ, क्योंकि आज स्कूल जाना है। स्कूल बुला रखा है कुछ आवर के लिए, बस कुछ घंटे के लिए जाना है, क्योंकि बच्चों को किसी चीज़ की प्रिपरेशन करानी है। तो हम कुछ घंटे के लिए स्कूल जा रहे हैं, हम क्या मैं जा रही हूँ, तो इसलिए मैं ये रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ भी हमारा घर में भी बहुत सारा काम चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। ये सारी दीवार दीवार तोड़ दी है, ये सारी दीवार तोड़ कर ये दोबारा लग रही है, और सब जगह देख रहे होंगे पूरा अस्त व्यस्त पड़ा है सारा सामान। तो यहाँ की भी हमने पूरी दीवार तोड़ दी है, ये दोबारा बन रही है दीवार, और यहाँ से भी पूरी दीवार तोड़ कर ये आगे भी हमारा फ्रंट में भी दोबारा बन रहा है, और घर में भी पेंट वेंट लगने वाला है। तो आज से हमारी पेंट वेंट लगने की भी प्रिपरेशन शुरू है। और ये रही मेरी मेहंदी, जो कि स्कूल में ही रचाई गई है, जिसमें कि मेरे को खुद को ही बना रखा है। ये मैं हूँ, मैंने घाघरा चोली पहन रखा है, ऊपर कलश उठा रखा है। देखो काफ़ी प्यारी सी मेहंदी हमारे स्कूल की एक मैम पूजा मैम ने लगा रखी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी मेहंदी लगा रखी है, क्योंकि मैंने ना इतनी सुंदर मेहंदी तो अपने शादी के दिन भी नहीं लगा रखी है, जितनी प्यारी मेहंदी पूजा मैम ने मेरी आज करवा चौथ में लगाई। इस साथ की भी दिखाती हूँ, इस साथ की ये है, और पीछे ये है, आगे ये है, और यहाँ भी ऐसी है, पीछे भी ऐसी है, तो काफ़ी अच्छी है। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ सीधे स्कूल को, क्योंकि मेरा फास्ट है। अब सबसे पहले तो मैं टीका लगा लेती हूँ, क्योंकि टीका नहीं लगा रखा है। टीका लगाती हूँ और उसके बाद सीधे स्कूल चलती हूँ। स्कूल से आने के बाद मिलती हूँ आप लोगों को और दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें करती हूँ। बस अभी अभी सर का फ़ोन आ गया, प्रिंसिपल सर का, कि स्कूल मत आओ, फास्ट है तो मत आओ बोल रहे हैं, क्योंकि बढ़िया ही हो गया है। क्योंकि वैसे तो मैं जाने वाली थी, क्योंकि बच्चों को किसी चीज़ की प्रिपरेशन करानी है, लेकिन अब सर बोल रहे हैं मत आओ, तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मैं तनु को देखूंगी। घर में भी हमारा काम चल रहा है बहुत सारा, आज पेंटिंग वेंटिंग के लिए भी आना है, सारा घर का सामान वामान खाली करना है, बाहर भी काम चल रहा है। तो इसलिए अब फटाफट से चेंज कर लेते हैं, खाली दो मिनट के लिए तैयार हुई, चलो कोई नहीं, इतने देर के लिए ब्लॉग बन गया। तो दोस्तों अब पूजा करने के लिए ये मेरा छोटा सा मंदिर, जिसको कि मैं तैयार कर रही हूँ। अब मैंने कैसे तैयार किया तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी इस मंदिर को बनाने में। तो अब हम आगे की पूजा की तैयारी करते हैं। अब मैं तैयार नहीं हो रखी हूँ, मैं फटाफट से तैयार होकर आती हूँ, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल सूट में ही हूँ। अभी सिर्फ मंदिर बनाने के लिए मैंने सूट पहना है, अब पूजा उजा करने के लिए मैं साड़ी पहनी। तो गाइस अभी बज गया है 4 o'clock, तो अब हमारे रेडी होने का टाइम है, क्योंकि दिन ढलने से पहले कथा पढ़नी पड़ती है। अभी पूजा पाठ नहीं कर रखी है, कथा नहीं पढ़ रखी है, तो फटाफट से हो जाते हैं रेडी, और उसके बाद दिखाती हूँ अपना लुक। तो गाइस आई एम फाइनली रेडी, ये रहा मेरा पूरा लुक, ये मेरी साड़ी। आज थोड़ा अकेली हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारा काम चल रहा है, सब लोग काम में बिजी हैं। हस्बैंड लोग ऊपर धान डाल रहे हैं छत में, माँ घास वास के ले गए हैं, तो घर में कोई भी नहीं, मैं फ़िलहाल अकेली हूँ, तो इसलिए वीडियो शूटिंग खुद करना पड़ रहा है। ये तनु भी सो रहा है, इसलिए मैंने कहा फटाफट से रेडी होकर कथा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ इनकम्प्लीट है, मैंने नथ नहीं पहनी है, मैं फटाफट से नथ पहनती हूँ उसके बाद दिखाती हूँ। तो नथ भी पहन ली है, ये रहा गाइस मेरा पूरा लुक। तो बताना कमेंट करके कि मैं कैसी लगी हूँ करके। एक्चुअली अकेले खुद से तैयार हो रखी हूँ, क्योंकि
मुझे बिल्कुल भी रेडी होने का टाइम तो बहुत सारा मिला क्योंकि काम मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन घर में बहुत सारा काम चल रखा है। तो ये रहा, तो अब फटाफट से हम पूजा कर लेते हैं क्योंकि दिन ढलने वाला है, 4:30 हो गया है, 5:30 बजे दिन ढल जाता है। तो मैं फटाफट से कथा पढ़ लेती हूँ और पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये रही मेरी पूजा की थाल और ये करवा और ये रही मैं। तो आंटी के यहाँ जा रही हूँ, आंटी के यहाँ ही पूजा करेंगे हम एक साथ। पहली बार कर रही हूँ आंटी के यहाँ क्योंकि अकेले में पूजा करने में मेरे को अजीब सा हो रहा है, इसलिए आंटी के यहाँ पर करती हूँ। वहीं पर कथा वथा पढ़ेंगे और फिर रात को चंदा मामा देखेंगे। करवे एक्सचेंज किए जाते हैं, करवे ये रहा गौरा माता का करवा और ये रहा मेरा करवा। तो करवा ऐसे करके बदला जाता है, वो भी 7 बार बदलते हैं, हाथ को ऐसे ही रखकर चेंज किया जाता है। तो करवा हम 7 बार बदलेंगे और ये करवे एक दूसरे से आपस में टकराने नहीं चाहिए। दोस्तों फाइनली हमारी कथा हो गई है, कथा हो गई है, पूजा वूजा हमने कर ली है, यहाँ पर बत्ती वत्ती भी जला दी है और आंटी के घर में कथा पढ़कर आ गई हूँ। कथा पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पर बत्ती वत्ती जला दी, पहले बत्ती जला कर गई थी यहाँ से, उसके बाद वहाँ मैंने कथा वथा पढ़ी। कथा वथा पढ़ने के बाद ही पूजा वूजा का मेरा समापन हो चुका है। ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर जहाँ पर मैंने करवा माता की स्थापना कर रखी है और यहाँ पर सारी चीज़ें स्थापित कर रखी हैं। ये करवा माता का कलश है और ये मेरा कलश है और ये जो वैसे कलश की स्थापना करे रहते हैं, कलश में पानी भरे रहते हैं, ये वाला कलश है और ये वाला कलश है जिससे पानी से शुद्धि करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और क्रॉस में ऐसे हाथ करके क्रॉस में हम एक दूसरे से करवा बदलते हैं। वैसे तो मैं आंटी के यहाँ से भी करवा बदल कर आई हूँ, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर गौरा माता से भी अपना करवा बदल दिया है। गौरा माता का करवा गेहूँ और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। मेरा पानी और ये कुछ भी मीठा रखते हैं, चीनी रखो या प्रसाद रखो, कुछ भी मीठा रखते हैं, तो यहाँ पर ये मैंने मीठा रख रखा है। तो ये रहा मेरा मंदिर, मेरी प्यारी सी चूड़ियाँ और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर। तो सबसे पहले मंदिर दिखा दूँ, मंदिर में ना लाइट थोड़ी कम है तो इसलिए यहाँ पर उजाला काफ़ी कम आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पहले चावल डाले थे, कुछ भी अनाज डालते हैं, अनाज में कमल बनाते हैं, तो यहाँ पर ही मैंने कमल बना रखा है। कमल में एक कलश की स्थापना कर रखी है और यहाँ पर पूजा कर रखी है। ये हमारी करवा माता जिनको मैंने चुनरी उड़ा रखी है, चुनरी उड़ाते हैं, कोई भी हम नवरात्रि की चुनरी ले सकते हैं, तो मैंने नवरात्रि की करवा माता को चुनरी उड़ा रखी है। और यहाँ पर एक गेहूँ के दाने रख रखे हैं क्योंकि गेहूँ के दाने हाथ में लेकर ही कथा सुनते हैं और फिर वो गेहूँ के दाने ये यहाँ पर साइड में हमारी पूजा की थाल में रख लेते हैं और बाद में जब हम चंदा मामा को अपना अर्घ देते हैं, अर्घ देने के बाद जब चंदा मामा को अर्घ देते हैं तो उसके बाद ये जो 13 गेहूँ होते हैं इनको ग्रहण कर लिया जाता है, इनको खा लेते हैं। और उसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये गेहूं हैं, ये सारी चीज़ें सासू माँ को दे देते हैं। मैंने तो हमेशा से अपनी सासू माँ को दे रखा है तो मैं अपनी सासू माँ को दूंगी। और ये मेरी सासू माँ के लिए प्यारा सा सुहाग का सामान है जिसमें मैंने दे रखी हैं, ये चूड़ियाँ हैं, वो चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियों का सेट ना मैंने ये तागा लगा कर बना दिया है क्योंकि ऐसा होता है ना, यहाँ पर तागा लगा दिया है ताकि ये सेट बिगड़े ना करके, और दूसरे वाले सेट में भी लगा रखा है। तो ये रहा, और ये मैंने अपनी सासू माँ के लिए बहुत ही प्यारी सी पायल ले रखी हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई थी। अब पता नहीं सासू माँ को कैसी लगेंगी, माँ को मुझे पता नहीं कैसी लगेंगी। और ये उनके बिच्छू हैं, ये सारी चीज़ें हैं और इसमें और भी चीज़ें हैं, मंगलसूत्र, और इसमें वैसी वाली चूड़ियाँ हैं जो कि डेली यूज वाली चूड़ियाँ होती हैं, वो भी मैं आपको खुल के दिखाती हूँ। इसमें देखिए बहुत ही प्यारी सी ये डेली यूज वाली चूड़ियाँ हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई थी, इसलिए मैंने ये माँ के लिए ये वाली चूड़ियाँ ले ली है। काफ़ी अच्छी लगती हैं, डेली यूज में माँ पहनेंगी तो काफ़ी अच्छी लगेंगी, इसलिए सासू माँ के लिए ये डेली यूज वाली चूड़ियाँ हैं। खोल के ये बहुत ही प्यारी लग रही है, जब ये पहनेंगे तो ना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसी लगी करके। तो ये रहा सासू माँ का गिफ्ट, अभी मेरा गिफ्ट है अनबॉक्सिंग करना बाकी है, मेरा गिफ्ट अभी नहीं आ रखा है। अब फाइनली मैंने पकाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं बना रही हूँ ये गोभी की सब्जी और यहाँ पर ये आलू, लेकिन यहाँ पर ना हमारे घर पे चींटियों का कहर ऐसा छाया हुआ है ना, क्या ही बताऊँ, इतनी सारी चींटियाँ हो गई हैं, क्या ही बताऊँ। तो आज मेरा गोभी की सब्जी खाने का काफ़ी मन कर रहा था, इसलिए आज मैं व्रत के दिन गोभी की सब्जी, चावल बन चुके हैं जो कि मम्मी जी बना कर गए हैं, चावल बन चुकी है, दाल बन चुकी है और साथ में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाऊँगी। तो फटाफट से खाना बनाती हूँ क्योंकि चंदा
मामा भी आते होंगे, तो चंदा मामा के निकलने से पहले मैं खाने आने का पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि बाहर का काम तो माँ लोगों ने आज मुझे कुछ दिया नहीं है, तो मेरे से बोल रहे हैं आज तेरा व्रत है तो तू बाहर का काम कुछ नहीं करेगी, इसलिए मैं बाहर को गई नहीं हूँ, आज अंदर ही हूँ फिलहाल। तो अभी पापा पुटकू को लेकर भी गए हैं, तक्ष को लेकर भी पापा चले गए हैं घुमाने के लिए, और तो पापा बोल रहे हैं जब तक तक्षी आनी है तो अपने काम निपटा दे करके, तो फटाफट से सब्जी वब्जी चढ़ा देती हूँ, आटा बांध देती हूँ। ऐसा आप लोग देख रहे होंगे चाँद आ गए हैं, 8:15 में चाँद आ रखे हैं यहाँ पर। तो अभी हमारी पूजा की सामग्री आ गई है, पूजा की थाल सच कर तैयार हो चुकी है, अब मैं व्रत तोड़ने जा रही हूँ। ये हमारे तन भी तैयार हो रखे हैं, ये हमारी ये दीवार बन रही है, तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रखा है। गाइस अब मैं अपना फास्ट तोड़ लेती हूँ, तो फास्ट तोड़ने के लिए मैं अपने हस्बैंड की पूजा करती हूँ, चाँद को अर्घ देती हूँ, तो ये सारी प्रक्रियाएँ चलती रहेंगी। तो गाइस फास्ट तोड़ने की मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वीडियो बनाने वाले कोई नहीं थे, मेरे हस्बैंड और मैं ही थे। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था वीडियो कैसे बनाए, तो ऐसे ही बन पाई। फाइनली व्रत टूट चुका है, अब हम लोग पूजा पाठ हमारी हो चुकी है, अब लोग हम खाना आना खाएंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो ऐसे हमारी वीडियो के साथ बने रहें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए टाटा बाय बाय, आज का ब्लॉग अब यहीं पर खत्म होता है।